अस्सलाम वालेकुम लाले। अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली मेरे बेटे की मंगनी हो गई बहुत अच्छे से, सब काम काज बहुत अच्छे से हो गया और कल हमने बहुत इंजॉय भी करा है ना लाले। बहुत मजा आई, बहुत माशाल्लाह, बहुत इंजॉय, बहुत अच्छा लगा। खाली काजी की कमी थी, खाली काजी की कमी थी कल, है ना। और ये हमारे कालू की सास है। हाँ क्या माँ, क्या शादी के लिए ना बोल रही है, 2 महीने के बाद नहीं बोलती है ना। मक्कू भाई भी हमारे बेटे इधर, और ये हमारे मुन्नी का है ससुराल, है ना। मैं आऊंगी भाई, निकाह पढ़ाएंगे हम लोग, लेके जाएंगे जो बम्बई में हम लोग खुशी करेंगे हम लोग कर ले गए ना। और सब बेटे माँ से तुम्हारी क्या राय, रुको ना, माँ से तुम्हारी क्या राय। हाँ शाम को उतरे के 5 बजे यहाँ, शाम को मगरिब बाद निकाह कर दो, हाँ हम लोग पूरे टाइम पे रात के 11 चले जाएंगे, निकल जाएंगे, एकदम सही, हाँ। और 10-20 लोग रहेंगे। और ये हमारी बहू की दादी है लाले, देखो ये दादी है, कश्मीर है ना लाले, पूरे कश्मीरी दिखते हैं। देखो ये दादी के वजह से लेट मंगनी हुई है, दादी बोलते तुम लोग का वीडियो देख के तो फिर मैं हाँ भरी, हम लोग वीडियो इसके लिए डाले, तुम नहीं मान रहे। और सब हम बैठे देखो इधर पूरा घर में, और ये मैं हमारी मम्मी के मामा मामी सास है, और ये मामी का लड़का है, और अब सब लोग बैठे सबको मार के मर, दादी अभी एकदम कड़क है ना, फिर अभी हम लोग जा रहे हैं सोनू कबीर के घर पे हमारी बहन के, अभी यहाँ का सब फंक्शन वगैरह हो गया, अभी आगे का और सफर चालू है, अभी देखना कहाँ कहाँ जा रहे हैं, मिल रहा है चारे मेरे भाई। देखो हम लोग आए ले जब से हम लोग के साथ साथ में, बहुत बहुत शुक्रिया, अरे अभी सामने चुमना, अभी मेरी बारी है, रुक, अरे हाथ चुप गए ना लाले। और ये देखो जयराज भाई का भी, हमारे देखो बेचारे फोन कर रहे जयराज भाई की, आज सब जगह पे हमारी दावत है लाले। बहू के साथ में सास को भी चिया पैसे अच्छा इतना खर्चा कराती भाई, हाँ सही बात है ना, केस पैसा क्यों लो, लाले का माल है मेरा माल है। फिर हमारी बहू है ना, अरे देखो लाले की जाने, ये हमारी बहू आओ जो तमारी मेवाड़ नहीं आओ, आओ जो मरिया, आओ जो तमारी। अरे लक्का भाई, हाँ लक्का भाई को देखते तो काका की याद आती हमारे, लेकिन काका थोड़ा इनसे अच्छे थे है ना। हम लोग निकल गए, और हमारे वापिस बेटा हमारा आया दानिश लेने के लिए हम लोग को, हमारा बच्चा देखो चश्मे पे हीरो लग रहा है, कोई अच्छी लड़की रहेगी बड़े जाके तो बताना मुझे जरूर, अभी हम लोग इसकी शादी कराने गया। इसको पहले पूछेंगे देखो कोई पसंद है तो बता दे, नहीं तो फिर हम लोग हमारी पसंद से करेंगे जैसे हमारी कालू की करे है ना। बता दे अभी दानिश है कि नहीं है, बोल अभी अभी नहीं है, मतलब अभी कोई लड़की ढूंढ सकते, तो इंशाल्लाह फिर हम लोग वापिस आएंगे हमारी दानिश की शादी में इंशाल्लाह, लेकिन इससे पहले हम लोग को अच्छी लड़की ढूंढेंगे फिर, हाँ इंशाल्लाह। और ये हमारी भाभी, ये हमारी मक्कू भाई की वाइफ है, यानी हमारी बड़ी भाभी, हमारे अरे हमारे मक्कू भाई का बंगला पूरा,
इनको बोल दिया होता तो सब काम हो जाता है, जोरदार हो जाता। एकदम खाली दूध की बना गया, दूध के लेके मेरी कैसे बैठे भी हेलो रस्ते में फातिमा निकले हम लोग रखे रस्ते पे यार के दिल ने क्या देखा जल्दी भाई इंतजार कर रहे हैं हम। अरे देखो लावा डाल के सब करना था सब तो सुबह से मैं सो के ही लेके एकदम लेट उठे हो मतलब आप लोग कितने बजे उठे सो के 2 बजे दो नहीं चार नहीं दो गाड़ी से चली गई वो भी आगे गई है आगे आगे आए लोग ये भाभी लोग हमारी देखो अभी आ गए भाभी लोग का पूरी सेवा कराऊंगी बंबई में रहते हैं नहीं बस फोटो भाग जाओ खड़ा हो जाओ अच्छा पार्टी आई है देखो माशाल्लाह वहाँ पीछे चले जाओ जाओ बच्चा है बड़ौदा से मेरे को मिलने के लिए सब बड़ौदा वाले हैं एक मिनट डो पूरा सप्ताह ले लो कितने बच्चे लोग कितना कितना खुश हो कल वहाँ आने के बच्चे तो पहले चाहिए हम लोग के जिससे हम अच्छे और बच्चे हम लोग हेलो तो मैं उसमें गई अपने दोस्त के उसमें उसकी शादी थी 26 तारीख को काले ये बड़ौदा की फैमिली है ना, ये पूरे मेरे भाई भाभी और भाई भाभी के ये बच्चे लोग माशाल्लाह अभी अभी पहले तो उधर जाना ही पड़ता था सलाम दुआ करने के लिए क्योंकि वो सब में बड़े बोस थे इधर गए बिग बॉय पहले अम्मी से मिलने का उनके हाथ चुमने का सलाम दुआ करने का क्योंकि वो थे मक्कू भाई की अम्मी हमारी अम्मी लेकिन अभी उनका इंतकाल हुआ तो नहीं तो पहले तो जाए बरोबर उनसे मेरे हाल चाल पूछने का है ना नाले तुमने सलामी देने का फिर बाद में भाई लोग से मिलने का अरे हमारी बड़ौदा की पूरी फैमिली है मेरी फैमिली है ना नाले हाँ यहाँ पे भी बड़ौदा में मेरे भाई भाभी और ये हमारी बहु लोग भाई।
चलो फाइनली हम लोग आ गए हमारी बहन के घर पे सोनू कभी। और ये बेटी लोग को जरा भी शर्म है, मेरी माँ उधर अकेली है, बाप अकेला है। हम लोग पानी के जैसा सुबह से मेरी माँ ने दबाव कुछ पता करे, मेरे माँ बाप थक गए हाथ में दबाव कुछ करे। बच्चे लोग अल्लाह आप लोगों को डैडी दबा चले दबा देते हम लोग। ये गुना गुना है मेरा बच्चा बस अरे देखो ये सोनू की अम्मी है, हमारी अम्मी देखो माशाल्लाह। और ये हमारे हाल चाल बराबर पूछते रहते हमारे को कैसे, या कुछ ना कुछ सोनू के हाथ से भेजते रहते है ना। हाँ ट्रेन में तो हम पूरा वही खाए, पहले सब नए नए बोले एक बार खाए ना तो फिर टेस्ट अच्छा लगा तो खाए। तो भूल गए बेटा तू। अरे हमारी सोनू की बेटी है, सेम हमारी सोफी है ना वैसी आपने हमने भेज दिया ना वो रेडी घर में डाली बड़ी। हाँ अरे ये हमारी सोनू की अम्मी हमारे लिए कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ये मेरी जान है, ये मेरी जान है हमारी लाली की और हमारी ये मेरे को हंसाती बहुत है, ये मेरे को बहुत हंसाती है। इसके लिए तो हमारे लिए तो वीडियो बना दो बहुत हंसी है ना का नाम ही हंसी है। मेरे माशाल्लाह हमारी माँ है गले मिलो भाई फिर तुम्हारी नजर लगे तेरी नजर लगी डबो डार्लिंग फोन तो आओ खाना, आओ खाना। हमारी सोनू ने हमारी बहन ने जो कितना अच्छा खाना बनाया, फेवरेट हमारी मच्छी और दाल चावल ग्रीन चटनी पाए का सालन मटन का सालन इतना खाना बनाया कि समझ में कंफ्यूज हो गया खाने का क्या है ना। और हमें आओ ना तुम भी माशाल्लाह इतना हम लोग का फेवरेट खाना बना के रखे हाँ, यानी बड़ोदा में जाओ किधर भी जाओ टेंशन नहीं कि हम लोग अजनबी शहर में आए रहे या कुछ भी है ना डाले बना। और इज्जत देने से इज्जत मिलती है ना अम्मी। और देखो हमारा बेटा भी आ जाए साथ में, मक्कू भाई नहीं लेकिन मक्कू भाई की जगह संभाला हमारा बेटा। तो माशाल्लाह देखो हमारी भाभी भी आए मिलने, पापा भाभी और हमारे बच्चे लोग भी आए, पापा कहना भी नहीं हमारी भाभी मिलने बराबर आया। और हमारे भाई लोग भी आए जयराज भाई और भाई लोग, और मेरे को इतना खाने की दावत दी थी कि मेरे पास टाइम ही नहीं था। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम तो जरूर आऊंगा। भी आए तो सब इधर उधर सब शॉपिंग को आधे तो सब चले गए यानी तो आज का हम लोग खाने का प्लान था हमारे जयराज भाई भाभी लोग सबके साथ में। बरकत भाई ने बेचारे कल से फोन करता है, बरकत भाई भी आपको कुछ काम है तो बोलो, कुछ भी जरूरत है बोलो, क्या लाना है करना है बोलो। लेकिन अच्छा लगा और हम लोग ने प्रॉमिस की कि धोनी वाले ज्यादा ज्यादा है ना, जयराज भाई को मैंने प्रॉमिस किए है ना। और देखो हमारी ये है बरकत भाई है ना, अरे हमारे बरकत भाई के एकदम स्वीट स्वीट बच्चे हैं, ये तो हमारी लोग की फेवरेट। और हम लोग घर पे जाएंगे ना ये लोग से ज्यादा ये बच्चे हमारे खातिरदारी कर रहे हैं ना, साथ में साथ साथ में थी हमारे। आपको ये लाओ आपको वो लाओ, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर साथ में दिया करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। या तो बीच में
कबीर के घर पे और माशाल्लाह खाना तो एक नंबर खिलाई था, बहुत अच्छा लगा। 100 रुपए खाने की वजह से हम लोग बेचारे, हमारे भाई की दावत थी आज, लेकिन हम लोग लेट पास हो गए। भाई सॉरी, जयराज भाई सॉरी, ये छोटे लोग सॉरी बोले सब लोग। जयराज भाई सॉरी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं भी आज में रमजान से पहले फिर आऊंगी वापिस, है ना। और ये हमारी बहन को, हमारी बहन भी जब बम्बई आती है, अजमेर आती है, हमारे लिए कुछ ना कुछ लाती है। और ये हमारी दूसरी सोनू है। तेरा बेटा कहाँ है? तो वो कभी भी निकल पड़ी। ये क्या इतना सारा जरूरी है? जरूरी है ना। अरे कुछ भी नहीं, तुम दुआ दो बस, ये दे दो उसको। दांत में दर्द था ना मेरे, तो मैं दवा करके सो गई थी। जब छोटी बहन करती तो बड़ी बहन का भी फर्ज बनता है ना। ले मामा बैठो जी, हाथ मांडी हो देते ना तुमने। अरे ले 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 बेटा, ले दो है समझ के ले लो, चल है ना फिर आना बम्बई। हाँ इमोशनल हो रही है, तेरी बिदाई थोड़ी कर रहे हम लोग। अभी तो आते जाते रहेगी ना, बड़े दामे तो पूरी मेरे, पहले मेरे बड़े भाई थे है ना, फिर बड़े भाई से इतनी मेरी पहचान हो गई, इधर बड़े दामे को पूछी बात। लेकिन बहुत अच्छी खाती थी, बहुत अच्छा। अरे चलो 10:30 में उठो ना, चलो ये कहीं छोड़ने का है, चलो उठो। घर तो माशाल्लाह है, घर का माशाल्लाह। और ये मेरे बड़े भाई, मेरे एक बार गुस्सा होकर चले गए तो जिम्मेदारी लगाई भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी जल्दी छोकरी लगी जरा सब बनाएंगे। और हमारे बड़े भाई को छोटे भाई को इनको बोलते भाई शॉपिंग को जाए, हमारे बड़े भाई सोल इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मैं रमजान चढ़ाने से पहले एक बार तो बड़ा रिटर्न आऊंगी, बाय सॉरी उठ बैठ करते। ये सिर्फ वीडियो जयराज भाई के लिए, वो इसमें भी इतना बोल रहे हम लोग, क्योंकि वो भी हम लोग जैसे हमारे भी भाई भी एक पैर पे खड़े होते हैं, इसके लिए इतना उनको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है भाई। हकीकत में देखो फाइनली हमारे घर पे और सब लोग छोड़ने आए थे भाई, हमारे मक्कू भाई और मक्कू भाई के बच्चे लोग लेने जाए थे छोड़ने के, सच में बड़ौदा मेरा, मैं दो दिन साइड इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा के पूछो भाई, ये ऐसा क्या बड़ौदा में सब मेरे भाई मेरी पूरी फैमिली है यहाँ करके, और सब लोग आए थे सब। और ये हमारे साथ खाला साथ, ये मामी साथ, और ये हमारी आपा, हमारे ऐसे दिलदार भाई।
हमारी बेटी है लेके आए लाले लाला और हमारे समी लोग भी आए समदाल सब्जी चलो चलो तुमने चलो तुमने चलो ओ भाई बाबा चलो ना अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा रम्मी के पास में दे रहा है दिया था क्या चाहते ये समीर है ना समीर का है तो तीन साल के बाद मिले थोड़ी ना इत्तेफाकी हो गई थी मगर अभी वो नाराजगी खत्म हो गई। आप लोग सब लोग दुआ करो हमारी बटाटा वड़ा की तबीयत खराब है अल्लाह उसको जल्दी से शिफा कामिल अता करे अल्लाह उसको फिर सेहतमंद याद करे और फिर मस्ती हमारे करे है ना ठीक है ना और लाले ओ लाले इसको ठीक कौन करेगा जरा बताओ फिर अभी मरते थे उसको किसको एक दर्द लगने लगा बोल कर मिल सा लेना यानी मेरे सलमान का गिरने का भाना हुआ हैरान हो गया बेटा गिर गया उसको थोड़ा लग गया है और हमारी दीदी उसको लाले बटाटा वाला बोलते हो गए अच्छा दवा खाने के मिल गए खूब रोना धोना हुआ वो सिकली गिरे हुए और दुआ करना कि हमारी फर्जारा दीदी जल्दी अच्छे हो जाए और मेरा बेटा भी जल्दी अच्छा हो जाए और हम लोग हमारे कोडिस हॉस्पिटल में हमारे रघु है ना तो जैसे कि अभी देखिए आप लोग हमारी फर्जारा दीदी भी मिले कितने सालों के बाद में हमारी बातचीत चालू हुई है ना और मेरा बेटा का लगता है गिरने का भाना हो गया था सलमान भी गिर गया है उसको मेरे बेटे को भी काफ़ी लगा है ज़्यादा वो क्या बोलूँ उतना लगा कि मेरे को टेंशन आ रहा है इसका भी देख के ये अपने आप पे केयर ही नहीं करता है बेटा तेरे लिए ना मेरे लिए अपने आप पर ध्यान रखने का मैं मेरी माँ को बड़ा पे संभालना मैं एक लौता वारिस हूँ है ना अब इसके अलावा मेरे को कोई संभालेगा बताओ मेरी सोफी हो तो शादी करके चली जाएगी यही है मेरे को संभाल जाना अब इसको अपने आप का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए तो आगे पीछे मेरा कौन है मेरे बेटे के अलावा ये सोफी है और ये है ना तो सोफी तो अपने ससुराल चली जाएगी है कि नहीं अपना ख्याल ही नहीं रखता इतना लगा के लिया पाँव में लग गया ऐसा घोस मतलब घोस पूरा दिख रहा था अभी पाँव का एक्सरे निकालने आने का इससे पहले हमारे रघु सर ने एंटीबायोटिक चढ़ाई जख्म सूखने के लिए जल्दी जख्म भरने के लिए है ना और हमारी फरजाना दीदी मिले बहुत रोए धोए थोड़े और उनके हार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है तो सोमवार को एनजीओ प्लास्टिक बोलते ना एनजीओ प्लास्टिक है तो इन शाला हम सब साथ में रहेंगे आप लोग दुआ करना हमारी फरजाना दीदी के लिए तो जल्दी अच्छी हो जाए दुआ की दरख्वास्त अभी एक फातिमा को एक और आए अभी एक सरप्राइज दे रहे हम लोग बोल बोल वन टू थ्री बोल वन टू थ्री देखते रिएक्शन कैसा होता है नीचे मुंडे को अभी उठा ये क्या हो गया ये क्या हो गया सरप्राइज कहाँ से आई रे बड़ा के दुबई से आई रे ये बटाटा वाला राइस कहाँ से आई रे कहाँ से आई रे कैसा लगा सरप्राइज कैसा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा हाय हाय देखो इधर सरप्राइज सरप्राइज में यानी मैं सलमान का गिरने का खाता था मेरे को तो यही लग रहा है ना वो भी गिर के बैठा कैसा गिरा सलमान
हाँ मस्ती नहीं करने का ना बेटा, मेरे लगी मस्ती देखो है ना, अंदर तारो बंबू पेशेंट कैसा भी मार बाप आ गया ना हमारे कॉर्डिक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बिना ऑपरेशन के एक पेशेंट ऐसा ठीक होता है लगेंगे तो मारी तकले में टन टन करके जीजस बनाते जीजस टन 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 मार रही मैं तो गिल्ला को उल्टा गिरे हॉस्पिटल से नीचे किसी का नाम पूछा, सुनो भैया भैया सुनो भैया बोलो आगे बोलो आगे, तो किसी ने नाम पूछा तो ये शब्बो ने ना नाम क्या रखी, बोले ये मल्लिका पेशेंट है तो मेरा नाम सलमान अली के पेशेंट है, तो मेरे नाम मलिका है, इधर मलिका पेशेंट है। अरे सब बोलते मुन्ना भाई का गाना निकल ना मेरा मोबाइल ला, मुन्ना भाई का गाना निकल मुन्ना भाई रास्ते में ट्रीटमेंट चल हाँ डॉक्टर बात में। अभी हमारे फंजन आपा की तबीयत बहुत खराब है, अभी हमारे मुन्ना भाई एमबीबीएस अंदर है और अभी हम लोग चार इन पर लेके चलो हमारे पेशेंट को हुआ है अभी लवेरिया, साथ में लाले के बच्चे हो गया लवेरिया है ना, डॉक्टर एमबीबीएस चालू है ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस क्या चाहिए डॉक्टर साहब आपको, देख कैची दे वो दे ऑपरेशन हो रहा है, एक मिनट को फाइल ले बड़ी हो गई है, अब इसको ऑपरेशन चल को चल सुन करने का स्प्रे है इंजेक्शन मारी तो मारी ना मारी इंजेक्शन
चेकअप करो, फाइल लेके इधर सब सामान हमारे खजाना दीदी भी अभी यूज हुआ है, अभी देखते हैं सोमवार को क्या क्या यूज होने वाला है। क्या बाईपास ऑपरेशन क्या होने वाला है, सॉरी एंजियोप्लास्टी होने वाला है, तब कितना सामान यूज होता है अभी सब बात करेंगे। ऐसे डॉक्टर कहीं मिलेंगे ही नहीं आपको, पेशेंट एकदम हालत खराब थी, स्टैमिना आ गया मुझे, पावर आ गया, एकदम स्टैमिना भाई को देखे, मुन्ना भाई एमबीबीएस डॉक्टर और पेशेंट का नंबर भाई जो बटाटा हो रहा है उसका दिल बड़ा हो गया, हो गया डॉक्टर मुन्ना भाई एमबीएस और डॉक्टर दबंग सिंघम, नॉर्मल हो जाएगा। अभी दोनों डॉक्टर मिलेंगे तो पेशेंट कैसा नहीं ठीक होएगा पता। लाले ऐसे दो डॉक्टर मिले पेशेंट कैसा नहीं ठीक होएगा पता। इधर ट्रीटमेंट करने वाले, इधर कॉमेडी करने वाले, दोनों मिला के तो पेशेंट अच्छा होएगा ना भाई। फिर ऐसे भाई मिल लोग हमने एकदम भारी डॉक्टर है, ऐसा कौन मत सुन रहे पे ऊपर के सब पब्लिक आके तो देखो ना हंस हंस के इधर पागल हो गए बोलते। हॉस्पिटल की पूरी टीम आ इधर देखो, तुम लोग जरा हाई करो, ये लोग भी मस्त है एकदम हाँ झोली। तो यहाँ पे जो पेशेंट आएगा वो अच्छा होके जाएगा है ना। हाँ देखो आए थे तभी इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, अभी देखे आप लोग ने हमारे रील्स देखना रील्स हाँ। अब हम लोग को देख के हाँ लाले को देख के टेंशन भी नहीं। साल के 12 महीने ऐसा नहीं होता, साल के 12 महीना मेरे ये एकदम शाइनिंग शाइनिंग चल, अभी और आ जाएगी है ना। तेरा नाम क्या है? मलिका मलिका। और अभी हमारे शहाना का भी ऑपरेशन हमारे डॉक्टर रघुवीर सर ने करे थे। हाँ एक्सरसाइज तो पहले भी बोले थे, तो हमारे बच्चे का ऑपरेशन भी यहाँ पे ही हुआ था। तो अभी एक्सरसाइज करते रहे बेटा है ना। मैं सर का एक्सरे निकाले पाँव का, हाँ नीचे तो बहुत कॉमेडी हो गई, थोड़ा अभी सुगर दुख एक साथ में है ना। तो हम लोग आ गए फाइनली दवा खाने से, और दवा खाने में मेरे सलमान को लगा तो थोड़ी मैं अपसेट हो गई थी, लेकिन पर जरा दीदी आए थोड़ा हंसी मजाक करे तो माइंड फ्रेश हो गया ना। पर जरा दीदी को हम लोग लेके आए घर, और ये वीडियो हमारा ब्लॉग रील्स देखना हाँ सच के पागल हो जाएंगे। और अभी हम लोग सब लोग आए घर पे, और ये मेरे सलमान को थोड़ा दोनों बाजू में लग भी गया और इधर पाँव में थोड़ा फ्रैक्चर बताया है, तो ये अभी लग गया करके थोड़ा प्लास्टर नहीं कर सकते ना, इसके लिए ये पट्टी लगाने बोले। और मेरा बेटा करेगा बेड रेस्ट है ना, क्योंकि इसकी स्कूल की इतनी छुट्टी पे छुट्टी हो रही है ना कि क्या बताओ ना रे सलमान। फिर और हम लोग सब लोग अभी घर में बैठे ले, और अभी
वो सोमवार वो सिस्टर नीचे आ रही थी ना, बोलते अभी कौन है दवा खाने में, अभी कोई है नहीं, अभी सोमवार को आने वाले। तो बोले किसको लेके? बोली हमारी फ्रेंड को लेके। तो बोले अभी वो जो रो रहे थे वो? मिली हाँ। तो बोले अभी ऑपरेशन में क्या होगा, वो अभी इतना रो रहे थे तो बोले ऑपरेशन थिएटर में हम लोग रहेंगे ना साथ में। बोलते फिर अभी कोटिक हॉस्पिटल फिर अभी सर पे चढ़ने वाला है। लिप में भी बोल रही थी सिस्टर। तो हम लोग सोमवार को एक दिन के लिए एडमिट करेंगे दीदी को, कि एंजियो प्लास्टिक है ना डाले, एंजियो प्लास्टिक करने का इसके लिए है ना।